इंद्रियां जितनी भी नशे की आत्माएं, कलेश की, गरीबी की, जादू की टूने की हैं, राइट नाउ आप छूट जाए और चंगे हो जाए। जब पहले हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया तो आपके मन में क्या आया? पास्टर जी बड़े माड़े ख्याल आंदे रे भी हुण की होएगा, शायद ये बचेंगे नहीं। जब चलो हो सकता है उसकी थोड़ी बहुत उम्मीद हो, जब दूसरे वालों ने जवाब दे दिया तो तब तो और मन क्या हो गया। पर अपनी आप प्रभु पे विश्वास करते हो तो आपने भरोसा रखा नहीं परमेश्वर, है ना। जब तीसरे वालों ने जवाब दे दिया तब तो पूरी उम्मीद ही टूट गई होगी। हालेलुया। तो इस सिस्टर का नाम पूजा है और जो वीर के रहने वाले हैं और जो इनके साथ इनके हस्बैंड हैं, और हम इनकी गवाही को सुनेंगे और इनकी बहुत ही बड़ी गवाही है। परमेश्वर ने इनके जीवन को बदल दिया है, हम इनकी उस गवाही को सुनेंगे। और इस ब्रदर जी की गवाही जे बता रहे कि आज से 3 हफ्ते पहले की बात है कि जब ब्रदर जी 3 साल हो गए बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगाने का नशा करते थे, बहुत ही ज़्यादा। जे बता रहे कि 3 साल से जब भी जे नशा करते थे तो जे अपनी बाजू की नाड़ियों में, ऐसे बॉडी में किसी भी पार्ट में, ऐसे जो नाड़ियाँ होती वहाँ पर इंजेक्शन लगाते थे। और जे बता रहे कि इतने ज़्यादा इन्होंने इंजेक्शन लगा लेते कि इनको कोई समझ नहीं आ रही थी, और बहुत ज़्यादा जे नशा करते थे और बॉडी का एक भी पार्ट नहीं बचा था कि जिस जगह पर इन्होंने इंजेक्शन न लगाए हों। और जे बता रहे कि पिछले 3 हफ्ते पहले जे बता रहे कि जैसे इन्होंने इंजेक्शन लगाया था, इन्होंने अपने गुप्त अंग की नाड़ी के पास इंजेक्शन लगाया था, और जब वो इन्होंने इंजेक्शन लगाया था नशे का, तो वो इंजेक्शन गलत नाड़ी में लगने के कारण इनका ब्लड रुक नहीं रहा था। तो उस समय इनकी कंडीशन, इनकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इन्हें बिल्कुल होश नहीं थी। और जो उस समय बहुत ज़्यादा उस प्रॉब्लम के कारण जो बहुत ज़्यादा दर्द के कारण तकलीफ़ में थे, इन्हें कोई होश नहीं थी, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो हम उस समय की वीडियो को देख सकते हैं कि जिस समय इन्होंने इंजेक्शन लगाया था तो जो बहुत ही इनको कोई होश नहीं थी, और जो बहुत ज़्यादा इनकी फैमिली भी परेशान हो चुकी थी। तो हम उस समय की वीडियो को देखेंगे। मिसेज हैं और जे लगातार इस मिनिस्ट्री में संगति में आ रहे थे, और जे बता रहे कि जे विश्वास में बने थे, क्योंकि जे हर समय जे बताते कि जब भी खुदावन के दास प्रार्थना करते थे दुखियों बीमारों के लिए, तो जे रिसीव करते थे कि परमेश्वर जो मेरे हस्बैंड नशा करते, जब खुदावन के दास के द्वारा वर्ड आता था कि जितनी भी नेगेटिविटी दुष्ट आत्मा के सताए हुए जो नशे के कारण परेशान है, जिनके पति नशा करते, जितनी भी नशे की आत्माएं, कलेश की, गरीबी की, जादू की टूने की हैं, राइट नाउ आप छूट जाए और चंगे हो जाए। तो जब ऐसे वचन वर्ड परमेश्वर के दास के द्वारा आता तो उस समय भी जी बहन रिसीव करते थे और जे धन्यवाद देते रहते थे, विश्वास करते थे। पर जब भी जे कंडीशन जे हालात जब भी जिस दिन इस ब्रदर पर था, तो उस दिन जे बता रहे कि जब जे इन्होंने 3 डॉक्टर 3 हॉस्पिटल में जब जे लेकर गए, तो 3 हॉस्पिटल जब जे लेकर गए तो उन्होंने इनको जवाब दे दिया कि हम इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जो नशा किया था, इंजेक्शन का नशा लगाया था, तो जो इनके गुप्त अंग के पास जो नाड़ी थी उससे ब्लड रुक नहीं रहा था। फिर इन्होंने बताया कि फिर उसी समय इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की, और जैसे ही टीम ने इनको पहले उत्साहित किया और इनके लिए प्रेयर की, और जो बता रहे कि उसी समय इनका जो ब्लड था वो रुक गया, और उसी समय इस ब्रदर जी होश भी आ गया,
और जब बता रहे कि जैसे इनको होश आया तो उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और जब बता रहे कि फिर इनको बोला गया था कि जो प्रार्थना आपके लिए हुई आपने धन्यवाद देना, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए मार्ग आपके लिए रास्ता खोलेंगे, क्योंकि जो आप लगातार मीटिंग को अटेंड करते थे तो परमेश्वर आपको आपके लिए सब कुछ करने की ताकत रखते हैं, और आपने हर एक वचन को और प्रार्थना में बने रहना है। तो जो सिस्टर बता रहे कि जैसे प्रेयर के दौरान इन्होंने विश्वास किया, धन्यवाद किया, तो जब ताकि फिर किसी ने जे किसी और हॉस्पिटल लात गए, और जब बता रहे कि जैसे जी हॉस्पिटल में लेकर गए, इजनाला रोड के पास हॉस्पिटल था, तो जब बता रहे कि वहाँ डॉक्टर ने इनको एडमिट कर लिया था, और जब बता रहे कि फिर जैसे डॉक्टर ने इनको एडमिट किया और इनका जो पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू किया और बहुत सारे इनके टेस्ट भी किए, हम उस समय के भी पिक को देखेंगे जब जी हॉस्पिटल थे, तो हम देख सकते हैं कि जिस समय जी हॉस्पिटल थे तो जैसे डॉक्टर ने इनका ट्रीटमेंट किया, तो इनके जैसे ही सब टेस्ट किए तो डॉक्टर ने बताया कि जो इनकी गुप्त अंग के पास जो नाड़ी है, दो नाड़ियां जो ब्लड की खून की है, एक गंदे खून की और एक साफ खून की है, और जो गंदे खून वाली नाड़ी थी जब डॉक्टर ने कहा कि वो ब्लॉक हो गई है, तो उसके बाद जैसे फिर से इनकी मिसेज ने टीम के साथ बात की तो टीम ने फिर से इनको उत्साहित किया कि अगर परमेश्वर इन्हें नया जीवन दे सकते उस समय इनको संभाल कर रख सकते तो वो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। अपने फेथ देना और अपने मीटिंग्स को लगातार देखना है, गवाहियों को सुनना है, तो परमेश्वर आपके लिए कर चुके। तो जब बता रहे कि जैसे इनको विश्वास दिया, और जब बता रहे कि जो पिछले दिनों में एक टेस्टामनी डाल दी थी कि दो सिस्टर थी और जिनके बच्चे छत से नीचे गिर पड़े थे, तो इनको बताया गया कि अपने उस गवाही को सुनना है परमेश्वर, और वैसा फेथ और वैसा विश्वास देना है। अगर परमेश्वर उनके जीवन में कर सकते तो परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। तो जब बता रही कि फिर जैसे इनके हस्बैंड को होश थी तो इन्होंने उस गवाही को इस ब्रदर जी को भी सुनाया, तो जब ब्रदर जी बता रहे कि जैसे इन्होंने उस गवाही को सुना और वैसे विश्वास किया, तो जब बता रहे कि जैसे ही बाद में डॉक्टर ने फिर से इनके टेस्ट किए तो डॉक्टर ने बोला कि हम कुछ इंजेक्शन लगाएंगे, अगर वो इंजेक्शन लगाने के बाद इनकी जो ब्लॉक नाड़ी खुल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका ऑपरेट होगा। तो जब बता रहे कि जैसे जी विश्वास में बने थे, मीटिंग्स को देख रहे थे, और उसी दिन ही परमेश्वर ने उस गवाही के दौरान ही परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने इस ब्रदर को छुआ और सब रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई, और जैसे ही डॉक्टर ने वो इंजेक्शन लगाने शुरू किए, ट्रीटमेंट करना शुरू किया, तो जब बता रहे कि जो ब्लॉक नाड़ी थी वो भी खुल गई, और जब बता रहे कि सच में जो इस समय इनकी कंडीशन बहुत खराब थी, कुछ भी हो सकता था, तीन हॉस्पिटल में इनको जवाब मिल गया था, क्योंकि जो 3 साल से जो नशा करते आ रहे थे, पर जैसे इस सिस्टर का विश्वास था, जो लगातार मीटिंग में आ रहे थे, पॉजिटिव प्रेयर करते थे, विश्वास कर रहे थे, तो सच में उस हालात के आने के बाद आज परमेश्वर ने इस ब्रदर जी पर अपना अनुग्रह किया, और जो बता रहे कि उस दिन से इन्होंने बिल्कुल भी इंजेक्शन का नशा भी नहीं किया, और परमेश्वर ने आज इनको बिल्कुल अच्छा किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सच में हम खुदावन परमेश्वर का अपने हाथों को उठाएंगे, कलीसिया जोर से दिल से धन्यवाद करेंगे। जब पहले हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया तब के मन में क्या आया? पास्टर जी बड़े माड़े ख्याल आंदे रे भी होण की होएगा, शायद ये बचेंगे नहीं, जब चलो हो सकता है उसकी थोड़ी बहुत उम्मीद हो। जब दूसरे वालों ने जवाब दे दिया तो तब तो और मन क्या हो गया, पर अपनी आप प्रभु पे विश्वास करते हो तो अपने भरोसा रखा नहीं परमेश्वर, है ना। जब तीसरे वालों ने जवाब दे दिया तब तो पूरी उम्मीद ही टूट गई होगी, लगता बचेंगे नहीं। हाँ जी पापा जी, ऐसा हो गया ना, हाँ जी, कि लगता बचेंगे नहीं, अब इनका बस एंड आ गया। हाँ जी पापा जी। तो फिर बहुत उदास होंगे, रो रहे होंगे मन। हाँ जी पापा जी। क्योंकि देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं, अब की फीलिंग और तब की फीलिंग में बड़ा फर्क है, क्योंकि अभी हो सकता है इनके चेहरे में खुशी हो, मन हो, क्योंकि पति इनके साथ खड़े हैं, बोल गए हैं। उस समय की फीलिंग और इस समय की फीलिंग बहुत है, पर उस समय की फीलिंग को याद करो कि कैसा आपका मन हो गया, कि शायद वो है ना, मतलब अभी तो मेरे बच्चे भी, अभी किसी बच्चों की शादी नहीं ना हुई? नहीं पापा जी, अभी नहीं हुई, सब पढ़ते हैं बच्चे। हाँ जी पापा जी। तो देखो एक
एक औरत के लिए, अकेले के लिए, बच्चों को, है ना, जहां तो फ्री हो तो फिर और है ना, पर ये सब कुछ कौन कर सकता है? परमेश्वर बापा जी। इसलिए लिखा कि वो अपने चुने हुओं को क्या नहीं होने देता, क्या नहीं होने देता, सब कुछ देता पापा जी। समझा रही मेरी गल? हो सकता अगर ये खुदावन में ना होते, उसकी सच्चाई को ना जानते, और सबसे बड़ी बात है ये जहां पे और यहां पे लोगों को एक सबसे बड़ा पॉइंट बताया जाता है वो है पॉजिटिव प्रेयर, पॉजिटिव विश्वास, धन्यवाद करो कि ये हो चुका है। बोलो क्या है? आप इसी तरह प्रार्थना कर रहे थे ना, परमेश्वर ये हो चुका है, ये बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं। जैसे कुछ लोग प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर चंगा करो, दया करो, कृपा करो, पर हम लोगों को ऐसे खाते हैं दया हो चुकी है, कृपा हो चुकी है, अब धन्यवाद दो। क्या दो? धन्यवाद दो। आपने जब ऐसे धन्यवाद किया, टीम से बात की, बोलो क्या, टीम से बात की, लगातार आप यहाँ पे भी आ रहे थे उन दिनों में? पापा जी 2-3 हफ्ते में आई नहीं थी, उसका के स्कूल छुट्टी नहीं, जब ये हॉस्पिटल में थे। पापा जी 2-3 हफ्ते में आई नहीं थी, बेटी मेरी आंदी थी, बेटी आ रही थी आपकी, फिर आप ऑनलाइन भी लगातार मीटिंग को देखते थे? हाँ जी पापा। हाँ, तो रिसीव भी करते होंगे? हाँ जी पापा। आपने बताया कि जब भी यहाँ पे प्रेयर होती थी आप नशे वालों के लिए, तो आप रिसीव करते थे? हाँ जी पापा जी। हाँ हाँ जी पापा जी। कि परमेश्वर मेरे पति को भी आप फ्री कर चुके हो, जो भी ये प्रॉब्लम खड़ी है इनके ऊपर, ये से मुक्त हो चुके हैं। हाँ जी पापा। और खुदा ने वैसा ही किया। हाँ जी पापा। आज कितने दिनों के नशा नहीं किया उस चीज का? हाँ माइक, 16 दिन हो गए। हाँ 16 दिन। 16 दिन पहले कोई एक लगातार, मतलब हर डेली रोज लगाते थे? डेली डेली। कोई दिन नहीं रहता था जिस दिन आप अगर नहीं लगाते तो क्या होता था? नींद नहीं आती। हाँ नींद नहीं आती थी। नींद नहीं आती, कोई काम भी नहीं होता होगा फिर? काम तो करते थे। नहीं नहीं, अगर मान लो जो काम करते थे, क्या काम करते हैं आप? नशे तो बिना इधर काम नहीं होता। नहीं, काम क्या करते हैं? काम दाढ़ी दप्पा करते थे। दाढ़ी दप्पा। अगर नशा नहीं करते, इंजेक्शन नहीं लगाते थे, तो फिर काम भी नहीं होता था? काम भी नहीं होता था। देखो, जो बंदा एक दिन भी बिना उस नशे के, इंजेक्शन टीके के जो लगाते हैं, एक दिन भी नहीं रह रहा, आज 16 दिन हो गए। तारीफ करो उस जीवित खुदा की। अनोखे काम करी, जोर से अपने हाथों को उठाकर तारीफ करो। करी दाए यहोवा, अनोखे काम करी दाए, करी दाए यहोवा, अनोखे काम करी दाए, करी दाए यहोवा। सुनो, आप परमेश्वर के राज्य को और समझना है, ठीक है? खुदा ने आपको एक नया जीवन दे दिया है, नया दे दिया ना, दिया ना, तो फिर अब परमेश्वर के राज्य को और समझना है, अपनी गवाही को लोगों को बताना है कि कौन है जीवित परमेश्वर जिसने मेरे जीवन को बचा लिया है। हर जगह जितने लोग नशे करते हैं, परमेश्वर ने इसलिए आपको बचाया, इस नशे से इसलिए उसने मुक्त किया, ताकि जो लोग नशे करते हैं, जो आपके साथ दो और है, उनको बताओ, वो सच्चे खुदा को जान लो, आप भी मेरे जैसे मुक्त हो जाओगे, क्योंकि वो इसीलिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया है। क्या आया है? कि पाप के सताए हुए लोगों को वो आजाद करे और मुक्त करे, जैसे आपको किया है। तो अपनी गवाही को लोगों को बताना है। बताओगे कि नहीं? शर्माओगे तो नहीं? सब रिश्तेदारों को, गली मोहल्ले को, जहां पे भी काम करोगे जरूर बताना। जितना मैं सुनो, मैं आपको एक प्रोफेटिक देता हूं, जितना आप यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करोगे, उसकी महिमा करोगे, उतने आप ऊंचे होंगे, आप उतने ऊंचे होंगे, उतने आप ब्लेस होंगे। देखना, आप अपनी ब्लेसिंग की भी गवाही दोगे जल्द, बस उसके नाम से ना शर्माना। मैं सच्ची कह रहा हूं, मैं ये प्रोफेटिक दे रहा हूं आपको ब्लेसिंग का, आपको खुदावंद बहुत ब्लेस करेगा, पर ये लोगों को बताना है, ठीक है? ओके, जाओ शुरू कर दो, फिर परमेश्वर आपके साथ है। आमीन।